हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटेक्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने फोटो या फिर अपने सेल्फी का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करना है, उसको कैसे हटा देना है, वो भी 100% श्योर, वो भी विदाउट एनी एप्लीकेशन, यानी कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा तो लोग पिकशॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब से पिकशॉट का अपडेट वर्जन आया है तब से रिमूव बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो निकल गया है। और उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं। इतनी आपको इतने रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऐसी वेबसाइट में आया है जिसमें आप एक क्लिक में अपना बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हो। वो भी बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को जानने के लिए कैसे आपका जो 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 है आपके जो फोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज होगा, इसके लिए आपको हमारे वेट कर सकते हैं। तो बस देखो ऐसे प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपको फोन क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है क्रोम वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रोम पे चला गया। इसके बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको URL पर जाके सर्च करना है RemoveBG। ठीक है, RemoveBG का आपको यहाँ पर सर्च मार देना है। सर्च मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस हो जाएगा। ये देखिए, मुझे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है, लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, तो आपको इस अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप सीधा आप जो है गैलरी में पहुँच जाओगे। इसके बाद आपको कोई भी एक फोटो को यहाँ पर चूज कर देना है। आप ब्राउज पर जाता हूँ, ब्राउज पर जा सकते हो और यहाँ से कोई भी एक फोटो यहाँ पर चूज कर देते हो। तो मैंने यहाँ पर कर दिए। बस चूज करने के बाद थोड़ी देर बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। देखिए कुछ इस तरह, मतलब आप जैसे मैंने आपको दिखाया मेरा जो फोटो था उसको मैंने अच्छी तरह से बैकग्राउंड वाला था, लेकिन जब मैंने उस पर दबा लिया तो थोड़ी देर में अपना जो बैकग्राउंड जो है हट गया। तो ये इस दिन के लिए तो वही मैं कुछ शॉर्ट ही बना दिया था, लेकिन इस चैनल पर मैंने आपको बताया ये ट्रिक उससे बहुत कम लोगों ने दिखाई है, यूट्यूब पर कम से कम 4 से 5 बार। तो ये था। और इसके बाद आपको तो यहाँ पर जो है डाउनलोड के आइकन पर क्लिक कर देना है। आपको दो आइकन मिलते हैं, डाउनलोड एक्सपी और डाउनलोड। तो अगर आप डाउनलोड एक्सपी करोगे तो 5 GB 720 GB 965 है, और अगर डाउनलोड करोगे 4 GB 5 GB 8 GB है। अगर आप डाउनलोड एक्सपी से करोगे तो और अगर डाउनलोड से करोगे बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से हट चुका है। ये देखिए पूरी तरह से बैकग्राउंड हट चुका है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी थी वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सक्सेसफुल एंड जय हिंद।